3, 2, 1, 0. श्री हरिकोटा के आसमान में गूंजती ये गड़गड़ाहट भारत की आन बान और शान की निशानी है। ग्रीन सिग्नल मिलते ही भारत की ये शान कुछ ही मिनटों में आग से ओझल हो अंतरिक्ष में पहुंच गई। ये गड़गड़ाहट भारत की ताकत के साथ साथ इस बात की भी निशानी थी कि मोदी सरकार में देश के नॉर्थ ईस्ट इलाकों का भी तेजी से विकास हो रहा है, क्योंकि इसरो के इस नए संचार उपग्रह GSAT-29 की खूबी भी यही है। ये भारत के नॉर्थ ईस्ट के इलाकों के विकास में बेहद ही मददगार होगा। नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ ये जम्मू कश्मीर के इलाकों को हाई स्पीड इंटरनेट सेवा देगा। GSAT-29 पर एक खास तरह का हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगाया गया है, जिसका नाम है GeoEye। ये हिंद महासागर में भारत के दुश्मनों, उनकी हरकतों और उनके जहाजों पर नजर रखेगा। GSAT-29 हाई थ्रोफुट कम्युनिकेशन उपग्रह है। ये हाई एफिशिएंसी वाले कू बैंड के ट्रांसपोर्टरों से लैस है। GSAT-29 भारत की जमीन से छोड़ा गया अब तक का सबसे भारी उपग्रह है। इसका वजन 3,423 किलोग्राम है, जिसे देश के सबसे ताकतवर GSLV-M के 3D2 रॉकेट के जरिए भेजा गया है। ये वही रॉकेट है जिससे चंद्रयान 2 और गगनयान को लॉन्च किया जाएगा। ये रॉकेट पूरी तरह से भारत में ही 15 सालों की मेहनत के बाद तैयार किया गया है, जिसका खुद का वजन 640 टन है। GSAT-29 इसरो का इस साल का 5वां लॉन्च है। श्री हरिकोटा से लॉन्च हुआ 67वां और भारत का 33वां संचार सैटेलाइट है, जो खासकर भारत के नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर के इलाकों को नई ताकत देगा और PM मोदी के सपनों को साकार करेगा।